कि मान लीजिए ये अपने मान से कम का कमल का गुरुकुल नाम रखता तो ये जो मर्जी करता, क्या हमें फर्क नहीं पड़ता, या हम केवल राजीव दुष्ट के नाम को बचाने के लिए इसका विरोध करते? आपने कहा कि आपके पास 10,000 रोगियों का डाटा है गुरुकुल के जो खत्म हो, राजीव भाई के विचारों के प्रत्येक हत्यारे को नंगा कर दूंगा। एक हफ्ते संडे को पब्लिक आती है बड़ी दूर दूर से, तो कम से कम भी ये 20-30 लाख रुपए एक संडे को इकट्ठा करता है। अभी भी बोलता है मैं किसी को भी खरीद सकता हूँ, प्रशासन को 10 लाख रुपया दे दूंगा, 20 लाख रुपया दे दूंगा, मेरा कौन क्या बिगाड़ सकता है। लेकिन जैसे आप आचार्य, आप लिखते हैं ना आचार्य कमलकांत लिखते हैं, आपको तो मतलब आचार्य, आचार्य की आचार्य कौन, आचार्य कौन होता है? मैंने कहीं गुरुकुल में कोई शिक्षा प्राप्त नहीं की, ना ही मेरे को संस्कृत का ज्ञान है, ना ही मेरे को वेदों का ज्ञान है। बहुत जल्द मेरी पत्नी ठीक होने के बाद प्रत्येक पुरुष को वो किस करेगी, लिप किस करेगी? मेरी पत्नी ठीक होगी मुझे पता है, और सभी पुरुषों को किस करेगी जो कैंसर रोगी होंगे? आवाज नहीं उठा के फेंक दूंगा। मेरे को कोई सम्मान वम्मान नहीं है किसी का। जिसको जाना जाए, तुम तुम्हारे पूर्वजों की संतान हो तो इस क्रांति का हिस्सा बन जाओ, नहीं तो हिजड़े बन के दबा लो और चले जाओ। निश्चित रूप से कहेंगे कि ये सड़क ठरकी था, अब इसका ये देखो बाल बाल कटवा लिए, और ये फिर अपनी ट्रक निकालने के लिए खड़ा हो गया एक तरीका। अगर तूने कुत्ते कमीने, अगर तूने कभी भी पैसे के लिए चिकित्सा की तो तू तेरे भांजे का हत्यारा होगा, तू तेरी बहन का हत्यारा होगा, तू तेरी माँ का हत्यारा होगा, तू तेरे उस जीजा के सपनों का हत्यारा होगा जिसने सब कुछ लगा दिया इस राष्ट्र के लिए। यानी कि जो मेरी पत्नी को कैंसर है, मेरी पूजा को कैंसर है, जिसके पास अधिकतम 1.5 वर्ष का समय है, जिसको मैंने पूरा प्रयास किया है, मेरे बच्चों को कैंसर है कैंसर के लिए, जबकि मैं खुद अपनी पत्नी जो इसकी सगी बहन है उसको ठीक नहीं कर पा रहा हूँ। महेंद्रगढ़ के पाली गांव में स्थित गुरुकुल के मुखिया पर महिला द्वारा शारीरिक शोषण, जान से मारने की कोशिश सहित अनेक गंभीर आरोप लगाए गए थे, जिसमें पुलिस ने महिला के बयान पर मामला दर्ज कर लिया था। उसके बाद में पुलिस ने गुरुकुल के मुखिया आचार्य कमलकांत को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी को आज पुलिस ने न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। वहीं पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। वंदे मातरम साथियों, साथियों आज एक गंभीर विषय पर पिछले कुछ दिनों से चल रहा है, उसके विषय पर बात करने के लिए छोटे कम बात करेंगे लेकिन सटीक बात करेंगे। इसके लिए हमारे भाई अरविंद त्यागी जी हमारे साथ में। अरविंद भाई आपका स्वागत है। नमस्कार साथियों। तो अरविंद भाई को ही क्यों इस विषय पर मैंने इनवाइट किया, मैं उसके लिए भी आपको बताऊंगा क्यों कारण है उसका। क्योंकि आजकल जो प्रकरण चल रहा है वो है राजीव दूषित गुरुकुल के नाम से एक तथाकथित रूप से आचार्य कमलकांत, जो अक्षयों को आचार्य कहता था, उसने जिस प्रकार के कई दुराचार और कई प्रकार के जो शब्दों का मर्यादा नहीं रखते हुए वीडियो डाले, समाज की मर्यादा को ना रखते हुए वीडियो डाले, उस विषय पर आज हम ये वीडियो करने जा रहे हैं। अरविंद भाई को बुलाने का कारण ये है कि अपनी एक वीडियो में कमलकांत ने अरविंद भाई का नाम लिया था कि सबसे पहले अरविंद त्यागी से ही उनका परिचय हुआ, जिन्होंने उसको इस विषय पर सहयोग किया। तो कहीं ना कहीं मैं अरविंद भाई को, जैसे आपकी अदालत में अरविंद भाई को खड़ा करना चाहता हूँ सत्याग्रह में, कि अरविंद भाई क्या क्या गलती हुई, कहाँ आपसे पहचानने में गलती हुई, कैसे व्यक्ति को इतने ऊंचे मुकाम पर पहुंचा कर आज उसको धोखा दिया, तो इसके बारे में आपका क्या विचार है? देखिए, जैसे आप लोगों के लिए दुखद विषय है, ये मेरे लिए भी बड़ा दुखद विषय है। और अगर ये बात सिर्फ अर्थ तक की होती तो हम लोग बर्दाश्त भी कर लेते, लेकिन ये भावनाओं के साथ और लोगों के कष्टों के साथ जो खिलवाड़ किया गया है ये अत्यंत दुखद है। और जो हाँ हमारी चूक की बात रही, तो कुछ चीजें बिल्कुल प्रायोजित होती हैं। आज हमें ये लग रहा है कि उसने जो भी आडंबर रचा, हम जैसे लोगों से अच्छी बातें करी और जो त्याग दिखाया, क्योंकि वो छोटी मोटी नौकरी तो थी नहीं उसकी, एक अच्छी नौकरी थी, बढ़िया जीवन जी सकता था वो, उसने तप दिखाया। जैसे हम वहां गए तो जब पहली मुलाकात हुई तो वो तो गुरुगांव में हुई, गुरुगांव के गुरुकुल पे हमने जब करी तो देखा कि वो अपने हाथ से मिट्टी गिर रहा है, सीमेंट के कट्टे उठा रहा है, तो ये सब चीजों को लगता है कि भाई एक आदमी थी तपस्या खुद से कर रहा है, और हमसे पहले वो अपने गांव के लोगों को इस चीज में जोड़ चुका था। जब उसने पहले बाग लगाया था उसमें, तो जो उसके बचपन से जानते थे, जो उसके साथ खेले कूदे बड़े हुए, उनको भी वो मूर्ख बनाने में पूर्णतः सफल रहा। तो हम तो फिर भी दूर के ढोल सुहाने वाली बात थी कि हम तो दूर थे,
और जो ढोल सुन रहे थे वो सुहाने सुहाने लग रहे थे, तो हम भी लपेटे में आ गए। और इसके लिए मैं सभी राजीवादियों से क्षमा चाहूंगा कि कुछ जैसे मैं उस गांव के वातावरण को, उसके टीम को देखकर प्रभावित हुआ, ऐसे कुछ लोग हमारे जाने से भी प्रभावित हुए। तो और मैंने आपसे भी, हरीश गुप्ता जी, संजीव गुप्ता जी से भी काफी लोगों से आग्रह किया, सत्यप्रकाश भारत जी से भी आग्रह किया, ये लोग पहुंचे और ये था संभव सभी लोगों ने बढ़ता था। मैं भी आप ही उसके उद्घाटन में एक ही और पहली और आखिरी बार आप ही के साथ गया था उसके भी याद है। अब मैं वही कह रहा हूँ कि मतलब ये जो है सभी लोग उसमें गए, सभी गदगद थे कि जो राजीव जी के सपने थे, जैसे भारत को देखना चाह रहे थे, ऐसा भारत बनाने की दिशा में कोई एक कदम आगे चल रहा है। तो लेकिन आज उतना उससे उतना ही ज्यादा दुख भी है कि हम लोग ठगे गए। दुख इस बात का ज्यादा है कि उससे ठगे गए तो उसका दुख नहीं है, कि आगे जब कोई व्यक्ति एक अच्छी नीयत के साथ आगे बढ़ेगा तो लोग उसको पहले बहुत ज्यादा कसौटी पे लेंगे, और कहीं ऐसा ना हो हम इतनी ज्यादा कसौटी पे उसको लें कि फिर वो आदमी उठने का साहस ही ना कर पाए। तो ये एक ऐसा खड्डा खुद गया है जिसको भर पाना सहज जल्दी संभव नहीं हो पाएगा। अब तो कोई एक आदमी कसौटी पे आएगा वो सबका फिर मन जीतेगा, जब जाके कहीं खड्डा भरने का प्रयत्न होगा, लेकिन बहुत सहज नहीं है। आपकी आपकी बात से सहमत हूँ और मैं कहता हूँ कि शायद इसको हम इतना महत्व मैं तो नहीं देता हूँ कि ये शायद इतना बड़ा गड्ढा एक नुकसान कर देगा कि जिसको भरा नहीं जा सकता। मुझे लगता है वो इस मतलब इनका लेकिन मैं मेरा जो प्रश्न है, मैं तो प्रेशर भी है, मेरा एक टिप्पणी थी इस बात पे और उसको अन्यथा मत लीजिएगा, लेकिन यह है कि क्या मतलब ये राजीव दीक्षित गुरुकुल ने नाम रखा था, क्या इसीलिए आप सभी और हम सभी चिंतित हैं? मेरा ये मन में आता है कि सबसे पूछूं कि मान लीजिए ये अपने मान से कमलकांत गुरुकुल नाम रखता तो ये जो मर्जी करता, क्या हमें फर्क नहीं पड़ता या हम केवल राजीव दीक्षित के नाम को बचाने के लिए इसका विरोध करते? बहुत सुंदर प्रश्न और कल्पना से परे का प्रश्न आपने किया है, तो मैं प्रयास करूंगा कि पूरी ईमानदारी के साथ इसके प्रश्न का उत्तर दूं। देखो, राजीव दीक्षित जी से कोई हमारा निजी व्यक्तिगत संबंध नहीं था, वो एक स्वदेशी के प्रचारक थे और राष्ट्र के उत्थान के लिए कुछ काम कर रहे थे। तो हम समाज और हम ही नहीं, जितने भी सामाजिक लोग हैं, कोई उनके पदचिन्ह पे चल रहा है वो एक अलग बात है, उस दिशा पे चल रहा है, लेकिन सम्मान तो सबका सभी करते हैं, क्योंकि इतने भाव से कार्य करने वाला जो व्यक्ति है वो इतनी जल्दी इस धरती पर आता नहीं है, एक कालखंड में एक आदि आता है, तो राजीव भाई में से एक थे। लेकिन ऐसा नहीं कि हम जहां भी सहयोग कर रहे हैं जहां वो सब राजीव जी के नाम पर ही सहयोग हो रहा है, सहयोग तो संगठन ने फैदाद के ने कहीं कई जगह और भी सहयोग किया है, तो जो आर्य समाज के गुरुकुल है वहां भी सहयोग जाता ही है किसी न किसी रूप में। लेकिन ये एक निजी बात सी हो गई कि राजीव भाई से हम लोग भी प्रेरित थे और कमल भाई ने उनके नाम से काम को किया। और देखिए एक शालीनता देखिए बात करने की, हम अभी भी उनको भाई कह के संबोधित कर रहे हैं और वो अपने जीवन का परिचय किस जो अभद्रता के साथ दे रहे हैं, तो ये जो चेहरा उन्होंने छुपाया जो अभद्रता उनके अंदर थी, हम मतलब बुराई भी एक सज्जनता के साथ कर रहे हैं, आलोचना भी सज्जनता के साथ कर रहे हैं। और उनके वीडियो सबने देखे, वो अपने विषय में जो परिचय दे रहे हैं वो इतनी भद्रता के साथ दे रहे हैं, अपने संबंधियों का परिचय, तो हम तो फिर लेकर अपनी मर्यादा में रहेंगे, राजनीतिक जीवन में आदमी को मर्यादा में रहना चाहिए। तो कमलकांत भाई ने जो राजीव भाई का नाम लिया तो वो थोड़ा हमारे निजी प्रशंसा हो गया कि एक समान विचार की बात है, तो आदमी जहां अपने वातावरण अनुकूल देखता है तो वहां थोड़ा तेज गति से चलता है, इतना ही अंतर है। वरना समाज में अन्य बुराइयां होती हैं, जैसे न बीजेपी से जुड़े न कांग्रेस से जुड़े, आलोचना उनकी भी करते ही हैं गलत की, तो ये तो सही, जब वो गलत करेंगे तो उनकी आलोचना की जाएगी। और एक सीधी सीधी सामाजिक में एक बात रखी जाती है कि सही को ताली और गलत को गाली, तो अब उन्होंने जब उन्हें सही लग रहे थे तो देखो हम लोग आगे बढ़ के ताली बजा रहे थे, आज वो गलत हैं तो आलोचना करना हिंदी में गाली ही होता है, गाली फारसी की नहीं, माँ बहन की गाली तो फारसी की होती है, तो ये गाली ही है कि हम उनकी आज आलोचना कर रहे हैं और बड़े दुखद के साथ कर रहे हैं कि एक जब इतने अच्छे सपने देखे थे तो आज हमें इस विषय पर इस तरीके से बात करनी होगी, तो ये बड़ा दुखद विषय है कि जिस वीडियो को हम आज बना रहे हैं। जी जी, तो नहीं क्योंकि ये प्रश्न का उत्तर काफी हद तक आपने दिया, लेकिन मुझे लगता है कि ज्यादातर जैसे अभी कुछ दिन पहले एक फिल्म का गाने के ऊपर बड़ा विवाद चला कि भाई भगवा रंग का कुछ कपड़े गलत कपड़े पहन लिए, तो मैं यही पूछता हूँ कि यदि वो भगवा रंग का कपड़ा नहीं होता था क्या उस गाने से कोई परेशानी नहीं थी? तो मूल में अश्लीलता का विरोध होना चाहिए, केवल भगवा वस्त्र का कोई कपड़ा किसी फिल्म हीरोइन ने पहन लिया वो होना चाहिए, तो ठीक वैसे ही मैं अभी तो मेरा सवाल थोड़ा सा बचाऊंगा। आपने
आपने प्रश्न को बड़ा खोल दिया उदाहरण के साथ में, इससे मुझे भी आसानी होगी और पहले मैं समझ गया था अभी बात को, और जो इस बात को सुन रहे होंगे उन लोगों को भी आसानी होगी। तो मैंने कहा कि गलत का गलत को गाली, मैंने उदाहरण के तौर पर कहा पॉलिटिकल पार्टियों को भी देते हैं, उनसे हम जुड़े हुए नहीं है, और समाज में कहीं बुराई, दो लोग लड़ रहे हैं तो हम उसमें भी न्यायचित व्यवस्था करते हैं, मानवीय स्वभाव है, तो जो गलत होता है उसको डांट देते हैं, तो गलत का विरोध तो होगा ही होगा। लेकिन यहाँ थोड़ा सा प्रश्न हमारे निजी हो गया कि जिस विचारधारा को हम लेके चल रहे उस पर भी चोट लगी है और गलत भी हो रहा है, तो यहाँ थोड़ा सा निजी है, मैं इसको कहने में झिझकूंगा नहीं कि हम थोड़ा सा निजी होकर भी इस आलोचना को कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है निजी, क्योंकि लोगों ने जो सहयोग किया था, क्योंकि बहुत सारे लोग जो जिस समय, मुझे भी याद है कि ये जब पहली बार आपके सामने गया उसके बाद कई बार मुझे भी इसने कॉल किया और अपने तीनहीन अवस्था का रोना रोया था, और शायद मैं इसको पहचान गया था थोड़ा सा, वैसे लोगों को पहचानने में मैं गलती करता हूँ ज्यादातर, लेकिन पता नहीं इस बार थोड़ा सही रहा वो, कि इसकी बातों पर मैंने ध्यान नहीं दिया। और मुझे अब पता लग रहा है कि जब ये प्रकरण चलना शुरू हुआ तो उस सब लोगों का कॉल जिन्होंने शुरुआत में इसकी दीनहीन अवस्था को देखकर सहयोग किया था, वो सब लोग हमें बोले कि हमें तो राजीव भाई का नाम था इसलिए हमने कर लिया, तो उनका भाव तो व्यक्तिगत था, सब आलोचना भी व्यक्तिगत करने में मुझे नहीं लगता कोई बड़ाई होगी, लेकिन जिन लोगों को इसने अलग अलग अप्रोच किया, इसके मॉडस ऑपरेंडी मुझे जो समझ में आई कि ये सबको एक दूसरे को जो इसकी हेल्प करता था एक दूसरे से संपर्क नहीं होने देता था, मतलब उनको बताता नहीं था कि दूसरे ने मेरी कितनी हेल्प की, इसने भी मदद ले ली, इसने मदद ले ली, ये इसने अपनाया। तो आज कई लोग प्रेस और कई दिनों से वो सो नहीं पा रहे हैं, तो ये व्यक्तिगत आलोचना की बात तो है, ठीक है, लेकिन बात यह है कि व्यापक रूप से इस पर क्या आप लोग कदम उठाने वाले हैं, जिससे कि ऐसे लोग, चाहे वो राजीव भाई का नाम करें या ना करें, लेकिन ऐसे लोग जो आने वाली पीढ़ी गुरुकुल के नाम पर, आने वाली पीढ़ी के नाम पर जो है हमसे, हमें 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 इमोशनली आपसे अपने आप जोड़ लें और गलत काम करें, उसके लिए आप क्या कदम उठाने वाले? देखिए, एक सामाजिक प्राणी होने के नाते समाज में जो भी अनैतिक या गलत है हमारी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि हम उसका विरोध करें। यदि हम विरोध नहीं करेंगे तो चीज एक दिन लौट के हम पे लिपट जाएगी, किसी प्रकार की बुराई हो तो विरोध करना, तो इसमें ये नहीं कि हम राजीवादी हैं इसलिए विरोध कर रहे हैं, या जो राजीवादी नहीं वो विरोध बिल्कुल ना करें। विरोध इसमें एक नागरिक होने के नाते, समाज का अंग होने के नाते प्रत्येक व्यक्ति को उस बुराई का विरोध करना चाहिए। हमारा विरोध दो तरफा है, एक तो सामाजिक इकाई होने के नाते भी है, और वो जो सपना था जिसको वो लेकर चला था, वो सपना कहीं ना कहीं हमारा खुद का सपना भी था, उस सपने में कहीं ना कहीं अपने आप को हम भावनात्मक रूप से और व्यक्तिगत रूप से खड़ा पा रहे थे, तो इसलिए व्यक्तिगत आलोचना है क्योंकि सीधा सीधा हमसे जुड़ा हुआ था। वरना ऐसा नहीं कि आलोचना सिर्फ इसीलिए है कि राजीव जी का नाम था, आलोचना सामाजिक रूप से भी है कि कल समाज में बुराई का प्रचार प्रसार ना हो, बुरे लोगों को समाज में अगड़ने जगह ना मिले, तो इसलिए सभी लोगों को, सभी जो भी लोग से जुड़े नहीं जुड़े, और गुरुकुल ही क्यों, समाज में किसी प्रकार की भी बुराई होगी, कहीं गोहत्या होगी तो भी उसकी आलोचना करेंगे, कहीं चोरी होगी उसकी आलोचना करेंगे, किसी बहन बेटी के साथ अत्याचार होगा उसकी भी आलोचना करेंगे। तो बुराई का विरोध करना एक सामाजिक व्यक्ति का और एक नैतिक दायित्व ही है, और उसे पूरा करता रहना चाहिए, वरना ऐसे समाज में बुराई का विस्तार हो जाएगा। जी, मैं आपकी बात से भी सहमत हूँ, मैं, मुझे लगता है कि आपने बड़ी स्पष्ट रूप से उसको बताया है, लेकिन आगे आगे चलकर मैं जो थोड़ा भविष्य की यदि बात करूं कि मान लीजिए कई लोग ये भी बोल रहे हैं कि भाई जो उन पर जो यौन शोषण का आरोप लगा है, महिला ने लगाया है, वो झूठा भी हो सकता है, साबित कुछ नहीं हुआ। मैंने उनके सरपंच को कॉल किया था, सरपंच ने बोला अभी कुछ साबित नहीं हुआ है। तो क्या साबित कोई आरोप लगा दे जब तक वो आप दोषी साबित नहीं होते, उससे पहले ही सब लोग उसको दोषी ठहरा देते हैं। लेकिन इस आरोप के अलावा आपको क्या लगता है कि जिस प्रकार की भाषा उन्होंने यूज की वो तो उनके मुख से निकली है ना, कई प्रकार के, जो मैं बोलना भी नहीं चाहता यहाँ पर, एक वीडियो में उन्होंने बोला भी नहीं अपने जीवन के सारे कुकर्म, वो आप ही ने मुझे बताया था कि वीडियो में कि अपनी भाषा की मर्यादा भी, यदि आप अपने जीवन के कुछ डार्क रहस्य आप जो गलत रहस्य कैसे वो खोल रहे हो तो भाषा की मर्यादा रखनी चाहिए। तो भाषा की मर्यादा जो नहीं रखी तो आगे भविष्य में उसके परिवार के लोग, मान लीजिए उनकी पत्नी जो है या उनके साले के साथ जो वीडियो बनाया था, वो इस प्रकल्प को शुरू करने की बात करने लगे कि भाई हम, क्योंकि इतनी बड़ी कमाई करोड़ों रुपए अकाउंट में है, ऐसी कमाई को कुछ होना नहीं चाहेगा, तो ये इसको आप किस तरह से मतलब सोचते हैं कि क्या उनको आज्ञा देनी चाहिए उनके परिवार के लोगों को इस प्रकल्प को आगे चलाने की? नहीं देखो, मैं बताऊं कि इस बात को मैं अपने अनुभव के साथ बताऊंगा कि पिछले दो ढाई प्रश्न में मैं ये बोल रही कि
बिना राजीव दीक्षित का नाम प्रयोग किए यदि वो प्रकल्प चलाना चाहे तो क्या आज्ञा मिलेगी? किसी प्रकार से भी वो उपक्रम चले तो उसकी आज्ञा नहीं मिलनी चाहिए। और ये बता दूं मैं आपको कि जो अब घटना हुई है इससे तो हम परिचित नहीं थे, लेकिन जो धारणा के साथ गुरुकुल खोला गया था उस धारणा पे गुरुकुल नहीं चल रहा था। ये विरोध हमारा पिछले 2.5-3 साल से निरंतर चल रहा था। कमल उसकी सफाई देने के लिए फरीदाबाद तक भी आया, उसने बताया जी नहीं मेरे पास पैसा भी है, 20-25 लाख का उसने हमें एस्टिमेट दिया था कि इतना पैसा गुरुकुल के पास में है। तो मैं कहता हूं पैसा गुरुकुल के पास में अगर चिकित्सा से आ गया है तो इसको आप समाज से, ये लगभग 2-2.5 साल पहले उसने फिगर दी थी कि इतना पैसा गुरुकुल के पास चिकित्सा से आ गया है तो मैं इसे खर्च करो। बच्चों को अच्छा भोजन नहीं मिल रहा, बच्चों को अच्छी व्यवस्थाएं नहीं मिल रही है और अंदर पंखे नहीं है और साथ में बच्चों को सबसे ज्यादा तो अब पीने के पानी की व्यवस्था बहुत बढ़िया नहीं थी जो पहली मूल आवश्यकता होती है, उसके बाद भोजन बहुत अच्छे रूप में नहीं था। तो ये विरोध हमारे निरंतर चल ही रहे थे, इसी वजह से हमारे और उसके बीच में काफी अंतर भी आ गया था। तो वो समय समय पर उसकी भरपाई करने के लिए और प्रयास रखता लेकिन वो कर नहीं पाया और समय रहते फिर हम लोग दूर हो गए और हमारे नहीं और बहुत लोग दूर हो गए। और कालखंड में ऐसा आया कि आज उसने ऐसा बम फूटा कि जो सभी के लिए शर्म का विषय है और जहां अपने का आरोप साबित होगा नहीं होगा वो एक न्याय प्रक्रिया का विषय है, प्रशासनिक विषय है और प्रशासन कैसे काम करता है ये आप भी भली भली जाते हैं, उस पर टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं है। वहां तो वो तो मंडी है, पैसे से बोली लग जाती है और भारत में तो न्याय मिलता नहीं, न्याय खरीदा जाता है, मिल जाए तो वो अपवाद है तो अपवादों पे तो नहीं चला जा सकता। तो इतनी भारी रकम के बीच में तो न्याय ले भी खरीद भी सकता है। और देखो पत्नी उसकी कहां पर है कितनी है ये तो पाप में भागीदार में ये कह नहीं सकता, लेकिन वो उसकी पत्नी है, वो चाहकर भी उससे दूरी नहीं बना सकती, उसकी बच्चों का भविष्य है सब कुछ है तो वो अंततः पति की तरफ उसको जाना पड़ेगा, मजबूरी में जाना पड़ेगा, भले मैं नहीं कह रहा वो गलत है अंततः ये व्यक्तिगत ही हो गया ना उनका, तो व्यक्तिगत हो गया इसलिए व्यक्तिगत जीवन प्रभावित नहीं होना चाहिए ऐसा है भाव। तो इसलिए उनकी धर्म पत्नी को भी इस कार्य का और साले को उस कार्य करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। और वो करें तो प्रशासन दे तो दे लेकिन सामाजिक रूप से हम लोग अनुमति नहीं देंगे और उसका हमारा विरोध बात तक निरंतर जारी रहेगा। तो प्रशासन यदि ज्यादा दे देता है तो क्या आपको लगता है रणनीति होनी चाहिए, क्या 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 लगता है आपको कि क्या आप समझे? पहले तो मैं पाली गांव का धन्यवाद करना चाहूंगा कि पाली गांव ने इस बात को गुरुकुल को वहां से समाप्त करने की बात करी है, सेवाओं को समाप्त करने की बात करी है और पुरजोर तरीके से लगा रहे हैं। तो मेरा हार्दिक बंधन है पाली गांव को कि वे अपने गांव के नाम और मर्यादा के लिए लड़ रहे हैं, तो उम्मीद नहीं है कि वो पुनः चालू हो पाएगा। और हम सामाजिक लोग समाज में विरोध कर सकते हैं और वो निरंतर करते रहेंगे कि ये अब गुरुकुल पुनः प्रारंभ ना हो। तो क्या आपको लगता है कि अगर मान लीजिए किसी प्रकार से वो प्रशासन के चंगुल से छूट भी गया जो आपने कहा कि व्यवस्था को किसी प्रकार से भी खरीदा जा सकता है, तो उसके बाद यदि देश में मतलब आपका क्या संदेश रहेगा लोगों के लिए क्षेत्र की उस व्यक्ति का बहिष्कार यदि प्रशासन नहीं करवा पा रहा है तो क्या उसको देश में कहीं भी कोई कार्यक्रम करने की अनुमति या उसका कार्यक्रम सफल ना हो पाए या एंटर कहीं ना कर पाए, इसके लिए आप कुछ आह्वान चलाना चाहेंगे? हमारे समाज में प्राचीन काल से की व्यवस्था रही है कि सामाजिक बहिष्कार, जैसे जिसको एक भाषा में जो कह देते हैं कि हुक्का पानी बंद, और हम सामाजिक लोग इससे ज्यादा कुछ कर भी नहीं सकते, तो हमें सामाजिक रूप से उसका विरोध करना चाहिए और अपने विरोध को जारी रखना चाहिए। अगर वो छूट जाए तो विरोध को और ज्यादा गति देनी चाहिए, तो जिससे कि आगे लोग और ना ठगे जाएं। और इसका एक मैं आगे के लिए भविष्य के लिए देखता हूं कि भविष्य में आगे कोई और कमलकांत ना खड़ा हो पाए, इतना हमारा विरोध होना चाहिए कि जो कोई कमलकांत खड़ा हो तो 10 बार सोचे कि समाज का कि जो प्रताड़ना है तो वो सहनी पड़ेगी। बहुत अच्छा अरविंद भाई, बहुत सारे लोगों के कई प्रश्न थे वो मैंने आपसे पूछे और आपने 18 मिनट का वीडियो हो गया है वैसे भी, तो हम चाहेंगे कि वीडियो को हमने सटीक रखते हुए इस विषय को हम दोबारा आवश्यकता कोई अपडेट ऐसी रहेगी आपके कुछ विशेष टिप्पणी की या विशेष सुझाव की आवश्यकता पड़ेगी तो हम दोबारा आपके साथ वीडियो बनाएंगे।
तो इस समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, इस विषय पे खुलकर प्रकाश डालने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अंत में आपसे लोग सभी से आग्रह करना चाहूंगा कि अपनी जो भावना है, जो राष्ट्र के प्रति समर्पण है, उसको बनाए रखें। एक आध कमाल कांत के और या किसी और अन्य व्यक्ति के आ जाने से इतनी भावना हमारी कमजोर ना हो, निर्णय हमारे से कमजोर ना हो कि वो डोल जाए, और मजबूती से काम करें और उसमें राष्ट्र का गौरव बढ़ाएं, राजीव भाई के नाम का गौरव बढ़ाएं और अपना यश बढ़ाएं और देश धर्म की पूर्ति के लिए अपने जीवन को लगाए रखें। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद। एक स्थान पर लेके जाते हैं और हमसे अप्राकृतिक करते हैं। हमने कहा कि हम भी ऐसे ही करेंगे, हमने भी ठीक उसी प्रकार से करना शुरू किया। करते गए वो लगभग ये कहूँ कि कम से कम 40-50 बच्चे उस समय इस बुरे काम में लिप्त थे। इस गंदगी में इस कदर हम घुस गए कि हमने कोई जानवर नहीं छोड़ा जिसके साथ ऐसा दुर्व्यवहार हमने नहीं किया, और अनेकों हमारे हम उम्र हमसे छोटे बच्चे, हमने उन सब के साथ ये सब किया। आज बहुत पछतावा होता है, और गंदगी की उस चरम सीमा तक हम गए कि हम कई रात्रि में जो है मैं अपनी माँ के पास सोता हूँ, और गंदगी की वो चरम सीमा जो मैं आपको बता रहा हूँ उस समय मेरे मस्तिष्क में रात्रि में आती है। और ठीक इसी प्रकार से वो वाक्य मैं अपनी नानी के साथ भी दोहराता हूँ। मैं करना चाहता हूँ शादियां 200, क्योंकि कम से कम 200 शादियों से मैं 400 बच्चे उत्पन्न करके कैंसर के लिए लगा दूं। और इस शादी में जो मांग भरने के लिए प्रयोग किया है उसमें पेड़ों के पत्ते, गोमाता का गोबर, गोमूत्र, संपूर्ण प्रकृति को समाहित किया। मांग दो तरफा भरी जाएगी, पति ने भर दी और पत्नी इस माथे पे लिखेगी ओ। और मुसलमान भाई इस पे अल्लाह लिख सकते हैं, जिसको जो लिखना है लिखो, पर शादी करो, दहेड़ दहेड़ शादी करो, ताकि एक शादी सबकी, एक बच्चा सबका। और HIV के जितने भी रोगी हैं, महिला रोगी, उन सब से शादी करने के लिए तैयार है, और आपका HIV भी ठीक करके देंगे। 100% प्रयास होगा और वो भी निशुल्क। कोई कन्यादान करना चाहता है क्या मेरी शादी में? अरे ऐसे तो मत करो, कोई तो कर दो कन्यादान 150 रुपए। छोराला से भाई कि न्यू तो रे वाला कन्यादान का जवाब को न्यू तो गाने वाला तो छोराला से कन्यादान वाला कन्या के पक्ष का गोने कन्या के पक्ष होगा लोग कन्यादान तो छोराला से ही तो सारा। इन्होंने मेरा कन्यादान इनके हाथ में दिया है। ये बात जी बाबा।